अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स डॉट के से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके सामने रखूँगा। कुछ कैंडिडेट्स, कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस उनके आंसर्स आप हमारे साथ शेयर करें। तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो डेलीगेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाती हैं, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन सेम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक तो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कैटेगरी इलादा, एक एक्सपीरियंस कैटेगरी यानी कि इंजीनियर्स हैं उनकी कैटेगरी इलादा। तो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, यानी सिविल इंजीनियर्स में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट करें, एक कंपनी को एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स चाहिए अबाउट 5 ईयर्स, और एक कंपनी ने फ्रेश इंजीनियर्स जो है वो हायर करने, तो दोनों के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले डेलीगेशन आपसे पूछिए, अगर आप उसको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कुछ कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो आपको आपके एक्सपीरियंस के एतबार से आपसे क्वेश्चन करेगी, ठीक है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो सेम ही होंगे। वो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी मैंने उनको कैटेगराइज़ किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कंक्रीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यानी कि किए जाते हैं, जो डेलीगेशंस पाकिस्तान के अंदर आती हैं या यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू या तो जूम पे कंडक्ट किया जाता है, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, या आप कंपनी के एचआर ऑफिस में जाकर वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर रिलेटेड टू कंक्रीट है ये, ठीक है। कंक्रीट में किस किस्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं या करते हैं डेलीगेशंस, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कंडक्ट जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका सिंपल आंसर आपने इस तरह से करना है कि द पर्पस ऑफ स्लम टेस्ट इज़ टू मेजर द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। फ्रेश कंक्रीट की कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को मालूम करने के लिए हम स्लम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लम फॉर जनरल कंक्रीट अकॉर्डिंग टू ASTM C 143। यहाँ पर आप याद रखें कि आपको ASTM जो इंटरनेशनल कोड्स हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, इसका रेफरेंस आपने ज़रूर देना है, ताकि वो ये जजमेंट करते हैं, आपका जो डेलीगेशन है वो ये जजमेंट करता है कि भाई क्या कैंडिडेट इंटरनेशनल कोर्ट्स के बारे में जानता है या नहीं जानता। तो ये चीज़ आप ASTM को स्टडी भी करें और इस कोर्ट का साथ में रेफर, इसको लाजमी रेफर करें, ठीक है। तो स्लम की जो जनरल वैल्यू होती है वो 75 to 120 mm अकॉर्डिंग टू ASTM C 143 होती है, ठीक है। mm के अंदर है 75 to 120। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लम फॉर वेट कंक्रीट अकॉर्डिंग टू ASTM C 143। वेट कंक्रीट कहाँ पर यूज़ की जाती है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहिए हो, ठीक है, कंजस्टेड स्टील हो, अक्सर ये लार्ज एरिया पे जब कंक्रीट की जा रही हो तो वहाँ पर कंजस्टेड, जहाँ पर स्टील हो तो उधर ये वेट कंक्रीट यूज़ की जाती है, ठीक है। इसकी जो स्लम की वैल्यू है 160 to 240 mm अकॉर्डिंग टू ASTM C 143। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन C 35 and C 20 कंक्रीट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ C 35 कंक्रीट एंड व्हाट इज़ C 20 कंक्रीट। अब पाकिस्तान के अंदर जो हम कंक्रीट हम यूज़ करते हैं जनरली, हम उसकी स्ट्रेंथ को किस तरह से, रिच कंक्रीट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, लीन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसमें हम रेशो को मद्देनज़र रखते हैं। जैसे 1:4 है उसको हम रिच कहते हैं, 1:8 उसको हम लीन कहते हैं। तो यहाँ पर सऊदीया के अंदर, KSA के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है।
कैसे के जो कोड्स हैं, जो रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको स्टडी करना होगी। अब यहाँ पर C35 और C20 ज़्यादातर ये कंक्रीट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। इनका जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है देखें। अब व्हाट इज स्टैंड, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, यानी कि 35, 35 किसको शो करता है और सी किसको शो करता है, यही इनका बेसिक फ़र्क है। देखें ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो 35 है इसका आंसर, आंसर तो सिंपल ही है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ C35 कंक्रीट इज 35 MPa, 35 MPa जिसकी स्ट्रेंथ होगी उसको हम C35 बोलेंगे। और इसी तरह से जिस कंक्रीट की हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa होगी उसको हम C20 बोलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों कंक्रीट्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं इसके बारे में भी बाज़ू का क्वेश्चन होता है। विच टाइप ऑफ कंक्रीट इज़ यूज फॉर द स्केलेटन मेंबर्स ऑफ बिल्डिंग इन कैसे, कैसे के अंदर जो बिल्डिंग का स्केलेटन बनाया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है बिल्डिंग का, उसके जो मेंबर्स हैं जैसे कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, फुटिंग है, उसमें कौन सी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंपल आंसर है C35। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंक्रीट इज़ यूज फॉर PCC एंड लीन कंक्रीट इन कैसे, कैसे के अंदर PCC और लीन कंक्रीट के, लीन कंक्रीट कौन सी टाइप इस्तेमाल की जाती है कंक्रीट की, तो यहाँ पर आंसर है C20। ऐसी कंक्रीट जिसका जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa हो, मेगा पास्कल हो, वो कंक्रीट हम PCC के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग द पोरिंग टाइम, जब हम कंक्रीट को कास्ट कर रहे होते हैं, पोर कर रहे होते हैं, फॉर्मवर्क के अंदर डाल रहे होते हैं, उस वक्त कंक्रीट के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ क्योरिंग फॉर कंक्रीट, कंक्रीट की तराई का जो कम अज़ कम जो टाइम है, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, तो वो 7 डेज़ है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवर फॉर डिफरेंट मेंबर्स, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है एक मेंबर के बारे में, लेकिन तमाम मेंबर्स का यहाँ पर मैंने, ये फुटिंग है, रिटेनिंग वॉल है, कॉलम्स है और बीम्स है, स्लैब है, इनके लिए आप कंक्रीट कवर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और सिंपल आंसर फॉर फुटिंग 50 to 70 mm, रिटेनिंग वॉल 50 to 70 mm, ये फुटिंग्स में कंक्रीट कवर ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है, 5 to 7 सेंटी, और कॉलम्स और बीम्स के अंदर 40 mm यानी 4 सेंटी, और स्लैब के अंदर 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कंक्रीट से रिलेटेड व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशो इन कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर जो वाटर सीमेंट रेशो है ये क्या होती है, इसका सिंपल आंसर है द रेशो बिटवीन वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट मिक्स इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशो, यानी पानी के वज़न और सीमेंट के वज़न के दरमियान जो रेशो होती है उसको वाटर सीमेंट रेशो कहा जाता है। अगर इसके अंदर कमी करेंगे तो आपकी वर्केबिलिटी मुतासर होगी और कंक्रीट यानी कि उसमें मुश्किल होगा, जो भी डिज़ाइन के अंदर वाटर सीमेंट रेशो मेंशन हो उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कुछ क्वेश्चंस कंक्रीट के भी रहते हैं और नेक्स्ट में स्टील के हवाले से और फुटिंग के हवाले से कुछ जो इंटरव्यू के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वो मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और जद्दा की सूरत हाल, जद्दा के अंदर अभी क्या, यानी कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है या किस तरह के जॉब्स के मौके आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। इन क्वेश्चन के हवाले से या कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।